मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन वर्धमान ई लर्निंग क्लासेस। फ्रॉम टुडे आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट। इन अर्लियर क्लासेस बिफोर हॉलीडेज यू हैव लर्न लेसन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, एंड दीज लेसन्स वर टॉट बाई मैजिशन। एंड फ्रॉम टुडे आई विल टीच यू साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम लेसन नंबर फोर्थ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, यू विल वॉच वीडियो एंड ट्राई टू रिमेंबर, एंड इफ एनी डाउट एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू टॉपिक देन यू विल सेंड मैसेज to me, I will solve your problem. If you have incomplete work regarding to taught lessons, then you will complete today, tomorrow, and in 2-3 days. Okay. Now we start lesson number 4th, metals and non-metals. Before starting the topic metals and non-metals, we will understand about the some basic knowledge which is essential for the metals and non-metals learning. Okay, first of all we will read about element. What are elements? एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स वगैरह ये क्या होते हैं? तो इससे इसके लिए अपने को कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं वो लेनी ज़रूरी है, तो इधर ध्यान करिए। सबसे पहले अपन समझेंगे कि एलिमेंट्स क्या है, ठीक है? व्हाट आर एलिमेंट्स? एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंसेस which are made up of same kinds of atoms are known as elements. What are elements? I am writing the definition of elements and you will write this definition in your class notebook in which you have done the class work, homework regarding to lesson number first, second and third. Now, today you will write today's date, day, chapter number, and starting the classwork. So, in as a classwork, first point is element. Those substances, what? Those substances which are made of same types of atoms are called एलिमेंट्स। आप समझ गए कि दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। ऐसे सारे सब्सटेंस जो एक ही प्रकार के एलिमेंट एटम से मिलकर के बने होते हैं उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। समझ गए ना? जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो यह हाइड्रोजन के एटम से ही मिलकर बना हुआ होना चाहिए, इसके अंदर दूसरे एलिमेंट के एटम्स नहीं होने चाहिए, तो इसको हम हाइड्रोजन एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना? इसी प्रकार से अपन पहले इसकी अब एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्स। हाइड्रोजन एक एलिमेंट का एग्जांपल है, कार्बन एक एलिमेंट का एग्जांपल है, नाइट्रोजन
एक एलिमेंट का एग्जांपल है। अब कोई बोल देगा कि सर हाइड्रोजन तो गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है। हाँ, नाइट्रोजन गैस भी होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, लेकिन वो हाइड्रोजन के एटम से और नाइट्रोजन के एटम से मिलकर के बनती है और उसका फॉर्मूला अलग होता है, ठीक है ना। ये एलिमेंट है जो, अब आपको यहाँ पर नाइट्रोजन को गैस नहीं समझना है, सिर्फ नाइट्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, सोडियम एक एलिमेंट है, तो इस तरह से कई एलिमेंट्स है। तो ऐसे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है ना, टोटल एलिमेंट्स। आज दिन तक टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है, 118, कितनी, 118 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड टिल डेट। आज दिन तक 118 एलिमेंट्स है उनकी डिस्कवरी हो चुकी है, ठीक है। इनमें से 118 में से ज़्यादातर एलिमेंट्स है वो मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, और वो कितने, अप्रॉक्सीमेटली 90, और बाकी वाले तो पीछे कितने रह गए, 28। तो 28 में से अराउंड 21 नॉन मेटल्स, और फिर पीछे कितने रह गए, 7, तो वो क्या होते हैं, मेटलॉइड्स होते हैं, समझ गए ना। तो अपना टॉपिक क्या है, एलिमेंट्स एंड इट्स टाइप, ठीक है। व्हाट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट। समझ गए, समझ में आ गया ना, कि जो एलिमेंट्स एक ही जैसे एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं, एक ही सेम का सिमिलर सेम टाइप्स के, तो उसको हम उस एटम का बना हुआ एक ग्रुप एलिमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे आज दिन तक कितने एलिमेंट है, 118 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उनमें से 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स के नाम मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं, समझ गए। क्या आप सिर्फ यही एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नो, यू कैन राइट एनी एग्जाम्पल्स आउट ऑफ 118 एलिमेंट्स। 118 एलिमेंट्स में से आप किसी भी एलिमेंट्स का नाम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, समझ गए ना। इन्हीं एलिमेंट्स को, जो 118 एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को ही 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट कैटेगरी क्या हो गई, मेटल्स, क्या हो गई, मेटल्स, और सेकंड कैटेगरी क्या हो गई, नॉन मेटल्स, क्या हो गई, नॉन मेटल्स। थर्ड कौन सी हो गई, मेटलॉइड्स, कौन सी हो गई, मेटलॉइड्स, ठीक है ना, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, समझ गए ना। 118 एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, समझ गए। एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स आर इंक्लूडेड इन मेटल्स क्लास, एंड दोज एलिमेंट्स विच शोज द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर इंक्लूडेड इन नॉन मेटल कैटेगरीज, एंड एलिमेंट्स विच शोज बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर इंक्लूडेड इन मेटलॉइड्स कैटेगरीज। अंडरस्टूड, ओके, थैंक्स। एंड नाउ आई विल सेंड द नेम ऑफ सम एलिमेंट्स विद देयर सिंबल्स इन नेक्स्ट वीडियो, तो यू विल लर्न दीज एलिमेंट्स नेम विद देयर सिंबल्स, ओके, एंड इट इज कंपल्सरी टू लर्न दीज ऑल।